Please click on subscribe button to subscribe my channel for latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम कोरल ड्रा में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर सिमेट्री टूल पढ़ेंगे। तो सिमेट्री टूल में सबसे पहले आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो आपके पास पेज में एक लाइन आ जाएगी। ये कोरल ड्रा 2019 और 2018 में ये नई टूल है, तो ये बड़ी कमाल की टूल है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें बड़ा इजीली आप मिरर टाइप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पेन टूल ले लूँ या कोई और टूल ले लूँ, तो मैं जब कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँगा यहाँ पे इस तरह, और ये देखें ये उस जैसा ऑब्जेक्ट दूसरी साइड भी बन जाएगा। और इसमें इसके जो मेरे लाइंस हैं उनको डबल किया जा सकता है, या 3, 4, 5 जितने भी उसके वो करके आप एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। एक लोगो बनाना हो ऐसे वो लोगो बना सकते हैं। तो इसको जब फिनिश करेंगे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको ब्रेक लिंक करेंगे तो ये बस ऑब्जेक्ट, अभी तो ये लिंक एडिट हो सकता है, लेकिन जैसे ही इसको मैं ब्रेक कर दूंगा तो ब्रेक करने पे ये फिनिश करने पे ये लिंक ख़त्म हो जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी एज अ ऑब्जेक्ट होगी। इसको फिर अनग्रुप हम कर सकते हैं। हम ये अनग्रुप हो चुका है। इसी तरह जो सिमेट्री टूल है उसमें अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसी शेप बना के बी एस पी लाइन ले लेते हैं हम, सेम इसी तरह क्या है कोई डिज़ाइन बना लेते हैं और इसके नंबर ऑफ साइड जैसे ये फ्लावर बना सकते हैं हम, ठीक है। इसको कलर भी दे सकते हैं, लेकिन कलर किस तरह देंगे, इसके अंदर फिलिंग कैसे करेंगे वो ज़रा आपको समझना है। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसको क्लोज शेप बनाएं, क्योंकि अभी इसको अगर मैं इसको अगेन बना के और कलर का वो मेथड भी आपको बताता हूँ ताकि कलर्स भी आप दे सकें। उसके लिए ये करना होगा आपको कि इसमें सिमेट्री टूल लेके फॉर एग्जांपल अभी मैं बी एस पी लाइन लेता हूँ और इसी तरह का डिज़ाइन बनाता हूँ, तो इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला दें। मिलाने के बाद अगर मैं अब इसका कलर दूँ तो ये कलर चेंज हो रहा है ना, इस तरह आप इसके और भी ऑब्जेक्ट बना दें फिनिश करें तो देखें तो मीन इसकी क्लोज शेप होगी तो कलर तब चेंज होगा। और इसी तरह सिमेट्री टूल में ये एडिट रिमूव सिमेट्री और बैकलिंक के ऑप्शन हैं, तो इसमें बहुत सारा हम काम कर सकते हैं। और इसमें अगर आप एक और चीज़ होम में आएँ तो आपके पास एक ऑप्शन होगी न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, बल्कि नहीं नीचे आप आएँ तो ये डिस्कवर में इस पर क्लिक करें तो ये देखिए ये भी सिमेट्री टूल से ही बना हुआ है। अब इसको जब मैं क्लिक करूँगा और एडिट करूँगा तो ये देखिए सिमेट्री टूल से, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को चेंज किया यहाँ से इसका कलर, जो जो सिलेक्शन में कर रहा हूँ वो उसमें चेंजेस दूसरी साइड भी हो जाएंगी। तो इस तरह हम मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं कोरल ड्रा में इस सिमेट्री टूल की हेल्प आउट लेके। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इस टूल पे आपने सही प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल कुछ सीख लो को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अल्लाह।